हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम्स ऋषिकेश मेडिको पर। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में नीट 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि नीट 2022 का एग्ज़ाम 17 जुलाई को हो चुका है, और पेपर है वो थोड़ा लेंथी बताया जा रहा है। बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री का ठीक ठाक था। हो सकता है आप, आशा है कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, आप सभी को जिज्ञासा हो रही है कि नीट 2022 की कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा मेरे साथ। आपके पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव है, रिलेटिव को ज़्यादा ही दिलचस्पी है कि कितने नंबर आ रहे हैं। बार बार पूछ रहे होंगे कि बेटा कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके कम आ रहे हैं, मतलब 600 से कम आ रहे हैं, तो ज़्यादा ही पूछ रहे होंगे। अगर आपके सिलेक्शन वाली रेंज में आ रहे हैं, तो एक बार पूछ के मतलब ठीक है, बढ़िया बेटा, ऐसे बोल के बता दिया होगा। बाकी दोस्तों, बात करें कट ऑफ की, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये नीट 2021 में 595 मार्क्स पर मिला था, और इस पर एड थी दोस्तों 21,227, और इस पर दोस्तों कॉलेज मिला था जो जीएमसी डिंडीगुल तमिलनाडु में। नीट 2021 की बात करें, ये कॉलेज मिला था स्टेट राउंड में। अब आपको जानना है कि नीट 2022 की कट ऑफ क्या होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, अनुमानित लगा रहे हैं दोस्तों। तो हो सकता है इस बार कट ऑफ 585 के आसपास जाए, 5 नंबर कम मान लो या 5 नंबर ज़्यादा मान लो। अगर दोस्तों बात की जा रही है कि डीम्ड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, उनकी 50% सीट पर गवर्नमेंट फीस से एडमिशन होगा। अगर दोस्तों ऐसा हुआ ना, तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ जैसे 585, तो आप उससे 10 मार्क कम कर लीजिए, फिर अपना देख लीजिए कि कितने आ रहे हैं। जैसे मैंने 585 मार्क्स बताए हैं जनरल कैटेगरी के, तो आप अगर वो एड हो जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाली 50% सीट्स गवर्नमेंट फीस पर, तो आप 575 मार्क्स मान लीजिए, इसके 5 माइनस मान लीजिए, 5 प्लस मान लीजिए, इतनी कट ऑफ रहेगी। बात रही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लास्ट ईयर कट ऑफ थी 595 मार्क्स, और ये 21,238 रैंक पर मिला था। ये कॉलेज मिला था जोरम मेडिकल कॉलेज मिजोरम वाला, जो कि स्टेट राउंड में मिला था, ये लास्ट सीट थी। इस बार की बात करें दोस्तों, इस बार कितनी होगी, तो इस बार हो सकता है दोस्तों 583 प्लस माइनस में 5 हो सकते हैं, इतने मार्क्स पर आपको ये सीट मिल सकती है ईडब्ल्यूएस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो रही बात दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की दोस्तों लास्ट ईयर कट ऑफ थी 595 मार्क्स पर, 21,188 रैंक पर मिला था। ये कौन सा कॉलेज था, ये था जीएमसी कलकुरिची तमिलनाडु में, ये भी स्टेट राउंड में मिला था, लास्ट सीट थी। इस बार की बात करें तो दोस्तों ओबीसी का सिंपल सी मेरे को लग रहा है कि 580 मार्क्स प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, इतनी रहेगी कट ऑफ। अब दोस्तों बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की दोस्तों इस बार काफ़ी कम रह सकती है काफ़ी हद तक, क्योंकि सीट भी बड़ी है। तो दोस्तों ये पिछले साल मिला था 473 मार्क्स पर, और इसमें रैंक थी 1,09,310 रैंक। और अब 2022 की बात करें दोस्तों कि कितनी रह सकती है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये हो सकती है आपके 450 मार्क्स के आसपास, इससे 5 कम मान लीजिए, 5 ज़्यादा मान लीजिए। अब बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में 452 मार्क्स और रैंक थी पिछले साल 1,30,823, और ये कॉलेज मिला था जीएमसी नागापट्टिनम तमिलनाडु, ये कॉलेज मिला था स्टेट राउंड में। इस बार की बात करें एसटी कैटेगरी की, तो सिंपल सी मेरे को लग रही है 435 मार्क्स के आसपास रहेगी दोस्तों। अब आप सभी को मैंने कट ऑफ ये अनुमानित बताई है कि जनरल की 585 है, ईडब्ल्यूएस की 583 के आसपास है, ओबीसी की 580 के आसपास, एससी कैटेगरी की 450 के आसपास, एसटी कैटेगरी की 435 के आसपास हो सकती है मेरे हिसाब से। ये ऑल इंडिया कोटा के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, स्ट्रे राउंड तक। और ये भी मैंने जो कट ऑफ बताई है, ये मैंने स्ट्रे राउंड तक की बताई है कि आपको इस कट ऑफ या इस रेंज में आपके मार्क्स है तो आपको सिलेक्शन हो सकता है, आपको सीट मिल सकती है।
दोस्तों अगर आपके इससे कम मार्क्स है तो आप है ना वापस से नीट की तैयारी करना या जो भी करना चाहते हैं वो अभी से शुरू कर देना, कि आप रुकना मत, कि साथ के साथ काउंसलिंग करवाते रहना। और दोस्तों काउंसलिंग में आप स्ट्रे राउंड तक पूरी करवाना, रुकना मत, क्योंकि किस्मतों में अगर लिखी हुई होगी तो आपको वो सीट पक्का मिलेगी, आपके मार्क्स अगर बाउंड्री पे हैं तो। दोस्तों स्ट्रे तक आपको काउंसलिंग करवानी ही है, कुछ भी हो जाए। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जैसे हमारे बैच में आए थे ना, ऐसे थे जो रेंज पर थे, जिन्होंने मतलब फर्स्ट राउंड करवा ली, सेकंड राउंड करवा ली, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई अब सीट नहीं मिलनी है, पर उन्होंने स्ट्रे तक काउंसलिंग करवाना नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों किस्मत ने साथ दिया और उनको सीट मिल गई थी। तो दोस्तों ये हो गई अपनी कट ऑफ की बात। और दोस्तों अब आपको यार, आप सभी जैसे ये वीडियो देखोगे तो यार मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने में आपके लिए 5 मिनट का छोटा सा वीडियो रहेगा, देख भी लोगे, ठीक है, इग्नोर मार दोगे, आगे निकाल दोगे। पर दोस्तों इस वीडियो के लिए यार मैंने 5-6 घंटे मतलब काफ़ी मेहनत की थी, इसमें कट ऑफ के मार्क्स ढूंढे, कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल में ये GMC डिंडीगुल तमिलनाडु मिला था लास्ट रैंक वाले को, EWS में जोरम मेडिकल कॉलेज मिजोरम मिला था, OBC में GMC कल्लकुरिची तमिलनाडु मिला था, SC में GMC महाबूबनगर तमिलनाडु मिला था, ST में GMC नागापट्टिनम तमिलनाडु मिला था। ये लास्ट सीट थी जो लास्ट रैंक वाले को मिली थी, मतलब जिसका लास्ट में सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों यार आप है ना, आपका कुछ नहीं लगेगा पर यार सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरे भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पर यार मैं YouTube पर ये देखते रहता हूँ कि कितने सब्सक्राइब बढ़े हैं, क्या हुआ है, कितनों ने लाइक किया है, मेरे को थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और दोस्तों मैं अपनी Instagram लिंक देता हूँ हर वीडियो के नीचे, और उस पर भी आप कुछ भी क्वेरी हो आपके, जैसे मैं एम्स ऋषिकेश में हूँ, यहाँ से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। दोस्तों अब आपके ये भी होता है कि किसी बच्चे को एम्स भी मिल रहा है कोई सा, और एक मिलता है कि स्टेट कॉलेज मिल रहा है उसको, टॉप वाला, खुद का स्टेट का टॉप कॉलेज मिल रहा है और उसको एक एम्स मिल रहा है, तो उसमें उसको कंपेयर करने के लिए भी मतलब बहुत दिक्कत आती है कि मैं ये लूँ या वो लूँ, स्टेट कॉलेज से ये ले लेता हूँ, इसमें मेरे को PG का रिजर्वेशन ज़्यादा मिलेगा, ये डाउट बहुत बार आता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि भैया आप ऐसी भी वीडियो बना दीजिए जिसमें ये बताया हो कि कौन सा कॉलेज लूँ, मेरे को ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ऐसा डाउट आएगा आपको बाद में, पक्का आएगा श्योर, जिनको एम्स भी मिल रहा होगा, GMC भी इस टॉप मिल रहा होगा जो। तो दोस्तों मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि एम्स के क्या फ़ायदे हैं, GMC के क्या फ़ायदे हैं। बाकी दोस्तों कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ हो सकता है जितना मेरे को टाइम मिलता है। बाकी यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाइयों प्लीज़, और लाइक करना, कमेंट कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनकी थोड़ी बहुत भी, मैं मानता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी की थोड़ी सी भी हेल्प होगी ना तो मेरे को सुकून मिलेगा। मैं ये वीडियो अपने खुद के लिए नहीं बना रहा ना, मेरे को पहले था कि भाई YouTube चलाऊं या इतना मेरे को सब्सक्राइब करवाने, पैसे कमाने, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर मेरी वजह से एक भी बंदे को कुछ भी हेल्प मिलेगी ना तो मेरे को सुकून मिलेगा। बाकी यार दोस्तों मैं लिंक दे रखा हूँ, मैंने एम्स ऋषिकेश में हूँ तो मैं इसकी डे लाइफ का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी भी लिंक दे रखा हूँ, और एम्स ऋषिकेश की मैंने पर्सनल वीडियो बनाई है कि इसकी कट ऑफ कितनी थी, तो उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप हो सके तो उनको भी देखना। धन्यवाद।